नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा देवी। दोस्तों, ग्रहों की चाल कब किसी व्यक्ति का भाग्य पलट दे, इसके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की चाल में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और व्यक्ति के अच्छे और बुरे समय का निर्धारण ग्रहों की स्थिति के अनुसार होता है। अगर किसी व्यक्ति की राशि में ग्रहों की स्थिति ठीक है तो यह अच्छे भाग्य की तरफ इशारा करता है, परंतु ग्रहों की स्थिति ठीक ना होने की वजह से व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुंभ राशियों के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से माँ दुर्गा देवी का प्रकोप कुंभ राशियों पर खूब था, लेकिन अब यह प्रकोप अब शांत हुआ है और इसी से कुंभ राशि की अब बल्ले बल्ले होने वाली है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको आने वाले दिनों में कुंभ राशियों को किस तरह से फायदा होने वाला है, किस तरह का नुकसान झेलना पड़ेगा, धन के मामले में किस तरह से दिन रहने वाले हैं, स्वास्थ्य में किस तरह के बदलाव आ सकते हैं, लाइफ पार्टनर का साथ मिलेगा या नहीं, और आखिरी में बोनस पॉइंट जो कि आपकी किस्मत बदल सकता है, इन सभी बातों को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आने वाले दिनों में किस तरह का फायदा होगा। आपको मान सम्मान मिलेगा, घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है, उत्तम भोजन और वस्त्राभूषण तथा वाहन की प्राप्ति होगी, धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, आर्थिक लाभ की संभावना रहेगी, संतान पक्ष की चिंताएं कम होगी, कार्य में यश और सफलता मिलेगी, छात्रों को मेहनत का फल मिल सकता है, आर्थिक आयोजन सफलता पूर्वक पूरे कर सकेंगे, प्रिय व्यक्ति के मुलाकात हो सकती है, प्रतिस्पर्धियों के सामने सफलता मिल सकती है, धार्मिक कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं, नए कार्य और शुभ कार्यों के लिए अनुकूल दिन रहने वाला है, परिवार का सहयोग मिलेगा, पैसों की स्थिति में सुधार लाने के मौके मिल सकते हैं, नौकरी में अवसरों का सहयोग तो मिलेगा लेकिन स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है, मन में शांति एवं प्रसन्नता के भाव रहेंगे, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आने वाले दिनों में किस तरह का नुकसान झेलना पड़ सकता है। आर्थिक हानि की संभावना बन रही है, वाणी पर संयम रखने की जरूरत है, कार्य में कम सफलता मिलेगी, वाद विवाद से बचने का प्रयास करें, किसी से वाद विवाद या मनमुटाव हो सकता है, आत्मविश्वास में कमी आएगी, आर्थिक विषयों में सावधानी बरतें, क्रोध में वृद्धि हो सकती है, मानहानि होने की संभावना दिख रही है, धन निवेश करने से पहले सोचें, विचार करें और उसके बाद ही एक ठोस फैसला लें, मन पर चिंता का भार रहेगा, कार्यक्षेत्र में परिश्रम की अधिकता रहेगी, आत्मविश्वास में कमी आएगी, खर्चों में वृद्धि हो सकती है, पारिवारिक समस्या हो सकती है, आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है, मुश्किल स्थिति में संयम रखें, व्यर्थ के लड़ाई झगड़े एवं विवादों से बचने का प्रयास करें, परिवारजनों के साथ कलह हो सकती है, अकस्मात का योग है, रहन सहन में कष्टमय हो सकता है, आय कम और खर्च अधिक होगा, फिर भी पैसों की स्थिति सुधार लेने के मौके मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर हम धन के मामले में दिन किस तरह से रहेंगे उसके बारे में जाने तो बिजनेस की तरफ रुझाना बढ़ेगा, जिम्मेदारियां अच्छे निभाएंगे, करियर में नए अवसर मिलेगा, आर्थिक परेशानियां दूर होगी, लेन-देन के मामलों में सावधान रहे, नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा, भूमि संबंधी कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं, आने वाले दिन यात्रा पर जाने के लिए थोड़ी बहुत आपको रेस्ट लेना होगा, अधिक लोगों से संपर्क से लाभ मिलेगा,
कारोबारी व्यापार का विस्तार कर सकेंगे जिससे लाभ मिल सकता है। आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। अपनी शक्ति व कमजोरी को जानें और कमजोरियों को सुधारने की दिशा में प्रयास करें। आपका सकारात्मक और कभी न हार मानने वाला रवैया आपकी पहचान है जिससे लोगों के बीच आप प्रसिद्ध हैं। अब आप नई तकनीकों और योजनाओं को लेकर बेहद उत्साहित हैं जिससे आपका करियर चमकने वाला है। एक छोटी सी यात्रा आपको नए व्यावसायिक संबंधों और सौदों तक ले जा सकती है। नई साझेदारी या व्यावसायिक परिजनों की भी संभावना बन रही है। तो दोस्तों, अगर हम स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो किस तरह के बदलाव आ सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। घर, परिवार व किसी नज़दीकी रिश्तेदार से सेहत को लेकर आप कुछ परेशान से रहेंगे, चाहे वह आपके माता पिता हो या फिर और कोई। कुंभ राशि के जातक व जातकियों को शारीरिक शक्ति और बुलंद करने वाले रहेंगे जिससे कामों को क्रमिक रूप से करने में सहायता बनी हुई रहेगी। गोचरीय स्थिति के कारण भी आपको रोग, वात, कफ, खांसी, फोड़े, फुंसी आदि की स्थिति बनी हुई रहेगी जिससे आप कुछ परेशान रहेंगे। अंत ध्यान दें, अपने शरीर को आप खुद को ज़्यादातर ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। दोस्तों, अगर हम लव लाइफ पार्टनर का साथ किस तरह से मिलने वाला है या मिलने वाला नहीं, इन बातों को जानेंगे तो पार्टनर से रोमांस कर खुशी महसूस करेंगे। प्रेमी की तरफ से आपको आपको उपहार मिल सकता है। प्रेम संबंधों का बनाए रखने के लिए कुछ बातें इग्नोर करनी पड़ेगी। पति पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। किसी के साथ प्रेम के बंधन में बंधेंगे। एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना बन रही है। पार्टनर के साथ ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करें। आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। लव लाइफ में खुशी और तालमेल रहेगा। जो किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं, उनके लिए दिन बहुत ही अनुकूल रहने वाले हैं। पार्टनर के साथ थोड़ा वाद विवाद भी हो सकता है। दोस्तों, अगर हम आखिरी में बोनस पॉइंट के बारे में बात करें तो ये जो बोनस पॉइंट हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, इसी से आपकी किस्मत बदल सकती है। सबसे ज़्यादा आपको इन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए जानते हैं। आपको किसी अजनबी लोगों से अपनी बातों को शेयर करने से बचना चाहिए। आपके कुछ काम में रुकावट आ सकती है, इससे आप थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। आप बच्चों के साथ खुशी के पल व्यतीत करेंगे। किसी पर अपनी बात मनवाने का दबाव डालने से आपको बचना चाहिए। किसी बात को लेकर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। जरूरतमंद को वस्त्र दान करें, संतान सुख प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए दिन आने वाले दिन बहुत ही फेवरेबल रहने वाले हैं। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ऑफिस में कुछ दोस्तों के सहयोग से आपका प्रोजेक्ट पूरा होगा। आपको शिक्षकों से पढ़ाई में मदद मिलेगी। पूरे दिन आप खुद को तरोताज़ा महसूस करने वाले हैं। किसी धार्मिक आयोजन में जाने का आपको अवसर मिल सकता है। करीबी लोगों को आपसे कुछ अपेक्षाएं होगी। माँ दुर्गा को इत्र चढ़ाएं, आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। किसी खास व्यक्ति से आपको कोई बड़ा फायदा हो सकता है। आपके कार्यों की प्रशंसा हो सकती है। आपकी परेशानियों का समाधान निकल सकता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। आप जो भी काम शुरू करेंगे वो समय पर पूरा हो सकता है। करियर से जुड़े नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपको नए लोगों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। आर्थिक पक्ष भी मजबूत बनेगा। हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाए, धन में बढ़ोतरी होगी। आपको मौज मस्ती के लिए कुछ बेहतर
मौके मिल सकते हैं। कुछ लोग आपके लिए खास साबित हो सकते हैं। किसी ज़रूरी कामों में आपको दोस्तों का सपोर्ट मिल सकता है। खुद को सही साबित करने का अच्छा दिन है। आपको किस्मत का साथ भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।